आपका मेरे YouTube चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गो थ्रू फाइन आर्ट चैनल विजुअल आर्ट स्टूडेंट फाइन आर्ट स्टूडेंट के लिए है और इसमें KVS, NTNET, JRF, NVS इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी करवाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो एक बिग थम्स अप दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाए। और अगर आप हमारे वीडियो अपने फोन पे सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स। हेलो दोस्तों, कल हमने आप लोग से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसी के आगे पार्ट को आज हम लेके बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है पूछा है, तो इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत आ गई आपको? हाँ दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट है, वो पार्ट मैं करवा दी थी, तो DSSB के आज हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है ना, 20-20 का पार्ट किया हुआ है। तो राधा पूछ रहा था कि बनी ठनी किसकी है, तो आप लोग को मालूम है कि निहाल चंद का है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन से, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ है। नंबर 3 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है पूछा है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब जो है बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 4 नंबर, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो आप लोग को मालूम है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, ये दोनों ही जो थे मुगल स्कूल के दरबारी चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? संथाल परिवार। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो शांतनु एंड मत्स्यगंध जो है महाभारत की कहानी दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? अकबर ने दरबनामा को चालू किया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, नजूम अल उल्म किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये चेस्टर बिटी लाइब्रेरी डबलिन में है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? तो हिंदुला राग जो है अहमदनगर में है, उसे जरूर देखिएगा, अहमदनगर ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, उल्लेखनीय मूर्तियों श्रम की जीत कहाँ स्थित है? जिसको तो मरीना बीच चेन्नई, श्रम की जीत पूछा है, एक ट्रायम्फ ऑफ लेबर है वो नहीं पूछा, ये दूसरा पूछा है। राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, भिक्षुक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चोगन प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? दारा जोधपुर, 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर, शाहजहाँ की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई? अवनींद्रनाथ के द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेथ ऑफ दी शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अवनींद्रनाथ ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाए थे। दोस्तों प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनी राय, जामनी राय जो है भारतीय लोक कला से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित किया है? नंदलाल बोस सभी को मालूम है, जैसे कि हरिपुरा पोस्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? मेवाड़ जो है विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे, और कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्किन जो है कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन चित्रित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और यह पद्म पुरस्कार विजेता भी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, जामनी रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 20 नंबर, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? तो शाहजहाँ ने अपने कोर्ट में विचित्र कलाकार को नियुक्त किया था। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, कल हम फिर से 20 क्वेश्चंस आप लोग के साथ लाएंगे। आपको जैसा हम पहले ही बता दिए कि इसे पार्ट बाय पार्ट से है, तो कल हम ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि DSSB के पार्ट 1 ये सब मैं डाल दी हूँ, इसे आप लोग ज़रूर चेकआउट करें, पार्ट 2 चेकआउट करें, पार्ट
3 भी डाल दी, और पार्ट 4 और पार्ट 5 बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपने अभी तक DSSB 2018 के, ये जो है DSSB 2018 के, आप लोग को मैं ये थंबनेल दिखा रही हूँ, अगर ये वीडियो चेकआउट नहीं किए तो इसे चेकआउट कर लें। ये पार्ट 2 मैं डाल रही हूँ जो कि ये पार्ट 2 डाल रही हूँ, ये भी 2018 के DSSB का पेपर है। अगर आपने अभी तक इसे चेकआउट नहीं किए तो कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। और ये मैं आज कुछ MCQs एंड क्वेश्चंस बनाई थी जो कि आप लोग को 2020 के DSSB के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो ड्राइंग टीचर के हों या फिर फाइन आर्ट PGT के एग्ज़ाम हो, सभी में ये काम आने वाले हैं। तो इसे देख लें, इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रसमंजरी, रागमाला और कुछ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट, शाहजहाँ के बारे में कुछ कुछ काम लेके आई हूँ। तो उसे ज़रूर देखें और बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे। और थोड़ी सी आवाज़ आ गई थी वीडियो में बीच में, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी।